चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। फिर एक यूनिक डिजिट का नए टॉपिक के साथ आप तक ये वीडियो मैं पहुंचा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और इससे पहले भी नंबर ऑफ द वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो यूनिक डिजिट का कोई भी सवाल किसी भी कमीशन में अगर छोड़ना नहीं चाहते आप, कोई नहीं चाहता है कि सवाल छूट जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के मैथ एफटी के प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ यूनिक डिजिट के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से एक कलाकारी के साथ जो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का तरीका है उसे आप देखें कि कैसे सेकंड में यूनिट डिजिट निकालते हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर में। अगर इंटरेस्टेड है तो ये सवाल आपके बोर्ड पे डाला हुआ है, यह सवाल एनडीए में 2 बार पूछे हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 4 बार पूछा है और रेलवे में 3 बार पूछा है। न जाने इस सवाल से सीटर को क्या मोहब्बत है ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और इसी एग्जामिनेशन में अगर भीड़ लगाते हो तो भीड़ लगाते रहें। अगर एग्जामिनेशन यानी किसी भी कमीशन को कम्पीट करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो इस वीडियो को देखें। और ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आए जिससे पहले की वीडियो को देखें, नंबर ऑफ़ द कंसेप्ट हमने डाल रखा है नंबर ऑफ़ द वीडियो में। ये सवाल को देखेंगे, इनका यूनिट डिजिट कहता है बराबर व्हाट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4526 और पावर 1952 डिवाइडेड बाई ये 3, ये पूरे होल नंबर को 3 से डिवाइड किया गया। इसको देखने के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और तुरंत इसको कोई टिक लगा दीजिएगा अंदाज से भगवान का नाम लेके। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो टिक लगा दीजिएगा उसको सही करते रहेंगे। ये 2 सेकंड में सवाल बनेगा, ये कैसे बनेगा ये देखिए। कमीशन में जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो ट्रिक और लॉजिक पे करता है, वो आपके खोपड़िया का लॉजिक देखना चाहता है, आप कितने क्वालिफाइड हैं वो देखना नहीं चाहता है। ये देखिए 4526 इसका यूनिट डिजिट है 6, इसे पहले भी बता चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी होल नंबर का यूनिट डिजिट हो तो उनका भी किसी होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर, उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट इसमें से अगर कोई हो तो इनका भी यूनिट डिजिट वही होता है यानी बराबर 4526 पे पावर भी पूरे पे पावर 1952 दिया हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है। इनका यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 होगा, ये 2 निकला, यही इनका यूनिट डिजिट 2 होगा, इसलिए कि इनके साथ दूसरा कोई नंबर नहीं है, इसलिए यही यूनिट डिजिट इनका 2 होगा। 2 सेकंड में बना, बैठे रहिए, भागिएगा मत। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फिर कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाके अगर आपको पसंद आवे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद नहीं आवे तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूनिट डिजिट का यूनिक सवाल से देखें। ठहरिए, इसके बाद भी सारा सवाल जो भी बताएंगे सब किसी न किसी एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखें आप, सवाल नंबर 2 देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3677 पे पावर 153 मल्टीप्लाई 671 पे पावर 72, इनका यूनिट डिजिट निकालिए। कुछ करने का नहीं है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में नंबर ऑफ द वीडियो में बता दिया कि ये अगर किसी के होल नंबर का यूनिट डिजिट हो तो वही यूनिट डिजिट होगा। इसके अलावा 2, 3, 7, 8 अगर ये यूनिट डिजिट हो किसी होल नंबर का तो उनको 4 से डिवाइड करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, इनके ऊपर जितना भी पावर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके ऊपर 153 है, इनका यूनिट डिजिट 7 है। अब क्या करेंगे, ऊपर में जो पावर दिया हुआ है उनको 4 से भाग देंगे, 4 3 कितना 12, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया ये 3, ये 4 है ये 33 है, 8 6 का कितना होगा 32, माइनस करेंगे इनका रिमाइंडर 1 बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो इस यूनिट डिजिट का पावर होगा, और गुने 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही यूनिट डिजिट रह जाएगा। 7 को 1, 7 के पावर 1 का मतलब 7, इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, यही इनका यूनिट डिजिट आंसर होगा 7। 2 सेकंड में बना, अगर आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहें, भागे नहीं, इनका जवाब 7 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 3 देखें, जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ किसी न किसी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ द टाइम्स पूछा हुआ है। 1713 का पावर 212 प्लस 3035 के पावर 1718, इनका यूनिट डिजिट निकालिए। हमने ये चार्ट फिर रख दिया कि अगर किसी होल नंबर के का यूनिट डिजिट अगर 0156 है तो नो चेंज होगा, अगर 4 में यहाँ 4 है उनका पावर अगर इवन है तो वो 6 होगा यूनिट डिजिट, पावर अगर ओड है तो 4 होगा, 9 के साथ इवन में 9 होगा, ओड के साथ 1 होगा, बाकी ये नंबर छट जाता है 2 3 7 8। अब इसमें से मिलाइए कि किससे मिल रहा है, तो यहाँ 3 से 3 मिल रहा है, जब ये 3 मिलेगा तो इनको 4 से डिवाइड करना है, इनका यूनिट डिजिट 3 है तो ऊपर के पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 कितना होगा 20, माइनस कीजिए 1, 4 3 कितना होगा 12,
ये कट गया, रिमाइंडर इनका बचा जीरो। जब रिमाइंडर जीरो बचेगा तो हमने बताया था तरीका आपको कि जब रिमाइंडर जीरो बचेगा, आइए यहाँ रिमाइंडर बचा है जीरो, हमने बताया था इससे वीडियो पहले में कि अगर रिमाइंडर बचता है तो इस यूनिट डिजिट का पावर चढ़ेगा, अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो इस डिवाइजर ही इस यूनिट डिजिट का पावर चढ़ेगा। यानी क्या हुआ, यूनिट डिजिट तीन है, अब यहाँ रिमाइंडर जीरो बचा, इनका पावर कितना होगा, चार। यहाँ साइन है प्लस, यहाँ देखिए 335 में यूनिट डिजिट है पाँच, यहाँ मिलाइए। अगर कहता है कि 0156 में से कोई भी यूनिट डिजिट हो, उस आयन का पावर जितना भी हो उनका यूनिट डिजिट पाँच ही होगा, यानी इस पाँच का, इस पूरे का सिर्फ पाँच होगा। अब तीन पर पावर चार का मतलब कि तीन को चार बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन गुने तीन और प्लस पाँच, इनको करेंगे 3×3=27, 81 प्लस पाँच ये कितना होगा 86, इनका यूनिट डिजिट 6, इनका जवाब आपको हो जाएगा 6, यही इनका यूनिट डिजिट हुआ। 3 सेकंड में सवाल बना, बाकी झमेला करने का कोई काम नहीं है। ऐसे देख लीजिए, ये यूनिट डिजिट 6 आया, इनका यूनिट डिजिट 6 आया। अगर सवाल को देख के भाग निकलते हैं तो फिर भागते रहिएगा। एक सवाल और देखिए, भागिएगा मत, ये जितना भी सवाल बताते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, किसी न किसी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ द टाइम्स पूछे हुआ है। सवाल देखिए, ये कितना खतरनाक सवाल है, 2238 पे पावर है 1634 मल्टीप्लाई 3590 पे पावर है 1218। इसको देखने के बाद आप घबरा जाएंगे, इसको घबराना नहीं है, 1 सेकंड से 2 सेकंड में सवाल बनेगा। अभी यहाँ फार्मूला रख दिए कि 0156 0156, इसमें से किसी भी होल नंबर का अगर यूनिट डिजिट हो तो उनका जवाब भी यही यूनिट डिजिट होगा। इनका कुछ भी आवे उससे मतलब नहीं है, यहाँ 3590 का यूनिट डिजिट जीरो है, इसका मतलब इसका जीरो होगा। इससे पहले जो भी निकाल के लाएंगे उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो होगा। इनका आंसर जहाँ भी आंसर सीट में रहे जीरो चुन लें, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये सवाल देखिए, 1210 का पावर 315 माइनस 2935 का पावर 415, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले देखें कि अगर किसी होल नंबर का यूनिट डिजिट जीरो हो, 156 हो, बार बार मैं बोलता हूँ, तो उनका यूनिट डिजिट वही होगा। इनका देखिए यूनिट डिजिट जीरो है, इनका यूनिट डिजिट पाँच है, इन पर जितना भी पावर है जो भी नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, इनका यूनिट डिजिट जीरो होगा। अब माइनस 229 का यूनिट डिजिट, इस होल नंबर का यूनिट डिजिट पाँच है, पावर जो भी रहे मतलब नहीं, उनका यूनिट डिजिट ही पाँच होगा। जीरो में से पाँच घटाएंगे ये -5 होगा, यही इनका जवाब होगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 1 सेकंड का सवाल है ये, एक सवाल और देखिए, ये भी सवाल पूछा हुआ है, जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सारा एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ द टाइम्स पूछा है। 1917 का पावर 213 मल्टीप्लाई 1213 का पावर 927, इनका कहता है यूनिट डिजिट निकालिए। अभी पहल का नंबर पकड़िए, ये पूरा फार्मूला चार्ट दे दिया है, इनमें से कोई नंबर मैच करता है तो यहाँ से यहाँ तक, नहीं मैच करता है यहाँ नीचे आइए, 2 3 7 8, इनमें से कोई मैच करता है, 1 हुआ 7, 1 हुआ 3, इनमें से मैच किया, इनको 4 से डिवाइड करना है। इनका जो यूनिट डिजिट है उस होल नंबर का, इनको एज इट इज़ उतारिए, इनके पावर में 4 से ही डिवाइड करना है, दुनिया किसी से नहीं करना है। 4×5=20, माइनस कीजिए 1 3, 4 3 कितना होगा 12, माइनस कीजिए 1, इनका रिमाइंडर बचा 1, ये जो रिमाइंडर बचता है इनके यूनिट डिजिट का ये पावर होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ ये 3 3 में देखिए, फिर वही 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन रहेगा, इनको उतारेंगे, ये 3 एज इट इज रहेगा, इनको 927 में 4 से डिवाइस करेंगे, ये देखिए तो 4×2=8, माइनस करेंगे 1 12, 4×3=12, ये महाराज कट गए 0, 7 उतारा, 4×2=8 नहीं जाएगा, 1 मरते हुए जाएगा 4, उतारा ये 3, इनका रिमाइंडर हुआ 3, इनका रिमाइंडर इन पे चढ़ जाएगा पावर। अब देखिए कि 7 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3=9×27, यानी 7×27, अब 27 को अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7×7=49, हासिल 4, 7×2=14, 14×4 कितना होता है 18, इनका यूनिट डिजिट आया 9, इनका जवाब आएगा यूनिट डिजिट 9 बराबर ये आंसर हुआ, इनका यूनिट डिजिट आ जाएगा 9, यही 9 बराबर इनका जवाब हुआ। पूरा वीडियो आप देख लें, अगर हमारी बताई हुई बात आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे मैं क्वेश्चन फिल्टर करता हूं, सारे क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, चाहे NDO हो, CDS हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, 34 तरह का एग्जामिनेशन होता है भारत में क्लर्कल कैडर में,
और सारे एग्जामिनेशन का हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। हम जो भी बात आपको बताएंगे बिल्कुल परफेक्ट बात बताएंगे, कोई धोखे की बात नहीं बताएंगे। आप अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं, देख के क्वेश्चन मिला लें कि ये क्वेश्चन कब कितनी बार पूछा है, कैसे पूछा है। ये 2 सेकंड में बनाने का यूनिट डिजिट का सारा फॉर्मूला रख दिया। इसके बाद भी अगर जानना है तो हमारे ये YouTube चैनल मैथ FT के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ यूनिट डिजिट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देखें। और एक भी क्वेश्चन को किसी भी तरह के एग्जामिनेशन के अपीयरिंग कैंडिडेट हो एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन को नहीं छोड़े, अब बना के निकले। जिस मंजिल की तलाश है वो मंजिल पावे, बगैर पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। वो समय ख़त्म हो गया पहले वाला, अब जो है रिक्शा वाले का बेटा, सब्जी वाले का बेटा, फल वाले का बेटा, झाड़ू देने वाले का बेटा, भीख मांगने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाले का बेटा, IPS IAS हो रहा है। तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी होइए, आपके पास भी ब्रेन है, आपके पास भी भगवान ने सब कुछ दिया है। कुछ ज़रूरी नहीं कि आपके पास धन नहीं है तो ब्रेन नहीं है, धन और ब्रेन दोनों में फ़र्क है। पढ़िए लिखिए और खूब आगे 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 बढ़िए, नाम कमाइए, समाज सोसाइटी का नाम ऊँचा कीजिए, अपने परिवार का नाम ऊँचा कीजिए। अगर ये हमारी बताई हुई बात आपकी नॉलेज में 0.001% का भी इंक्रीमेंट किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया हो तो कोई प्रॉब्लम, कोई ग्रीवांस नहीं है आपके साइड से, आप इसको देखें। ज्ञान बांटने की चीज़ है, इसलिए मैं ज्ञान बांटता हूँ और ज्ञान बांटता हूँ रहूँगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिक डिजिट का मैं फिल्टर करता हूँ डाटा, जैसे हमें यूनिक मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, तब तक हम आपकी वीडियो पहुँचा, अब तक वीडियो मैं पहुँचाऊँगा, तब तक इसको देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।